हे व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स, अब 2021 आने वाला है तो अभी से बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी प्रिपरेशन की, ये गोल हिट करेंगे, वो गोल हिट करेंगे। कई लोगों ने इस साल मेहनत की होगी कि अब हम एफिलिएट मार्केटिंग में $10,000 या $1,000 पर मंथ अर्न करने लगे, बट बहुत सारे लोग फेल हो चुके होंगे। आई कैन से कि 100 में से 95 लोग फेल हो गए होंगे और उसमें से 5 ऐसे लोग होंगे जो इस साल एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ कर पाए होंगे। By the way, आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 ऐसे टॉप मेथड्स बताने वाला हूँ जिनका यूज अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, ट्रस्ट मी, अगर आप एक पर फोकस करके काम करोगे तो इन 2021 फर्स्ट मंथ से ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एक महीना बचा है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से मेथड्स को यूज करना स्टार्ट कर दो, तो आई एम 101% श्योर कि आप 2021 का गोल जरूर हिट कर पाओगे। वो 3 मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के नेक्स्ट वीडियोस लेकर आने के लिए। और एक चीज और गाइस, जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग इस चीज को करें और मैं खुद भी करता हूँ, और उसको कहते हैं बी कमिटेड फॉर यूर गोल्स, लेट्स गो। उससे पहले दिस इज तौहीद अहमद एंड आई हेल्प यू टू मेकिंग ऑसम ऑन इंटरनेट, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे जो पहला मेथड है वो मैं बोलूंगा फेसबुक ग्रुप्स, राइट, फेसबुक ग्रुप्स एंड योर फेसबुक प्रोफाइल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा पोस्ट लिखते हैं एंड यू से कि अरे यार इतना ज्यादा ये लिखता क्यों, पागल है क्या, राइट, लाइक दिस। बट गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा वो पागल नहीं है, वो एक मेथड है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये लोग लंबा 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 पोस्ट लिख रहे हैं, व्हाई दे आर राइटिंग दिस ऑल द शिट, यू नो, ये एक मेथड है। बट इस मेथड में एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं कि डेली काम करना। जब तक आप डेली 2-3 पोस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है इस मेथड का। और अगर आप ओके हो कि आप डेली काम कर सकते हो, डेली इतने बड़े बड़े पोस्ट लिख सकते हो, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको पहले दिन से पैसे कमा के दे सकता है। किस दिन से? पहले दिन से। अब यहां पर आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको हमेशा करनी ही करनी है, और उन 3 चीजों का नाम है पोस्ट, पोस्ट एंड पोस्ट। यस गाइस, आपको पोस्ट 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 करते रहना है तीनों टाइम, जैसे कि आप सुबह खाना खाते हो, दिन में खाना खाते हो और रात में खाना खाते हो। कुछ लोग कहेंगे भाई हम सुबह नाश्ता करते हैं, हाँ वही, सुबह नाश्ता करते हो, दिन में खाना खाते हो और रात में खाना खाते हो, वैसे ही आपको भी सुबह, दिन में और रात में पोस्ट करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जिसका नाम है फेसबुक। अब जब फेसबुक पे आप लिखोगे लंबा चौड़ा, लोग आएंगे, लोग आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके पोस्ट में इंगेज होंगे एंड देन आप उनको इनवाइट करोगे अपने मैसेंजर में, देन आप उनसे मैसेज में बात करोगे। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि आप उनको बड़े से बड़ा प्रोडक्ट और छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में कहूं तो हाई टिकट एंड लो टिकट, दोनों चीज आप इस मेथड में इजी सेल कर पाते हो, बिकॉज आप 1-on-1 बात करते हो लोगों से, आपके प्रोस्पेक्ट से, और वहां पर आप पैसा बनाना इजी बना लेते हो, राइट। तो सबसे पहला मेथड ये है, अगर आपको आज से स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल है जो पड़े हुए हैं गाइस, पड़े हुए लिटरली फेसबुक में, दे आर डूइंग डेली वर्क एंड मेकिंग डेली मनी, सो यू कैन सी द गोस्ट बिहाइंड मी, दैट इज मी, राइट, दैट इज मी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके अंदर भी एक ऐसा घोस्ट है जो कुछ भी कर सकता है, मतलब कि भूख। जब तक आपको किसी चीज की भूख नहीं लगेगी तब तक आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ रहे हो तो पैसे देखकर मत आओ, आप आओ काम देखकर और ये चीज देखकर कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना है। बिकॉज लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग जस्ट लाइक इंटरनेट पे गए और प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, बेचना स्टार्ट किए, बहुत सारे पैसे आ गए, मजा ले रहे हैं, राइट। तो वो चीज नहीं है, दिस इज द प्योर इंटरनेट बिजनेस, राइट। जैसे कि आप ऑफलाइन के बिजनेस देखते हो, आप सुनते हो टाटा, रिलायंस, अंबानी, जो भी आप सुनते हो, लाइक बिरला, ये सारे जो बिजनेसेस हैं जिन लोगों ने बिल्ड किए हैं, उन लोग जैसे बिल्ड किए हैं, मतलब जीरो से हीरो बने, वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस होता है, आपको जीरो से हीरो बनना पड़ता है। इन माय 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में जस्ट ऐसे ही एंटर हो जाते हैं ताकि उनको बस पैसा मिल जाए एंड देन वो जो चाहे वो कर पाए। तो आपको वो चीज सबसे पहले नहीं करनी है, उस चीज को आपको भूल जाना है। द सेकेंड वे टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, जो लोग सालों से करे आ रहे हैं,
अब ब्लॉगिंग में होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे ब्लॉग्स, जो ऐसे ही आप गूगल में जाओगे सर्च करोगे आपको दिखेंगे बहुत सारे ब्लॉग्स। अब यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स दिखेंगे जो बहुत रिसेंटली लिखे गए हैं, जो पिछले साल लिखे गए हैं और जो उससे पहले लिखे गए हैं, राइट। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप ब्लॉग कभी भी लिखो, बट अगर आपका ब्लॉग रैंक कर जाता है तो वो सालों साल गूगल के शीट पे फर्स्ट पेज पे पड़े रहता है। इससे आपको मिलती है फ्री की ट्रैफिक, और ये जो काम है ये आपको एक बार करना होता है। बट एक चीज मैं बता दूं, इस काम को करने में आपको महीनों सालों भी लग सकते हैं, बिकॉज यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, ब्लॉगर्स बैठे हुए हैं जो अपने पोस्ट को रैंक कराने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज है कि आपको डेली काम नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ पेशेंस रख के एक साल या छह महीने या तीन महीने आपको काम करना पड़ेगा और रिजल्ट गारंटेड नहीं है, राइट। यहाँ पर आप करते ये हो कि कोई सा भी एक प्रोडक्ट को चुनते हो एंड वहां पर आप उसका पूरा रिव्यू लिखते हो, लोग आते हैं एंड आप जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू देते हो अगर उनको अच्छा लगता है सो दे बाय फ्रॉम यू एंड यू विल गेट अ लिटिल और हायर कमीशन फ्रॉम दैट, राइट। तो ये होता है ब्लॉगिंग का प्रोसेस। इसके जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें आप लो टिकट ही सेल कर पाते हो, बिकॉज यू जस्ट डिड अ रिव्यू फॉर समथिंग, राइट। आपको सामने वाला बंदा नहीं जानता है तो इसमें आप ज्यादातर लो टिकट ही सेल कर पाओगे, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और इसका एडवांटेज ये है कि भाई आपका जो भी कॉन्टेंट है वो सालों साल गूगल में पड़ा रहेगा और वो आपको ट्राफिक ला ला के देता रहेगा, जैसे यहाँ पर ब्लॉग्स में हो रहा है जो गूगल में ऑलरेडी है इस समय, राइट। अब नेक्स्ट जो थर्ड है वो ये है गाइज, थर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों एक और चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, जितने लोग भी एफिलिएट स्टार्ट करने वाले हैं सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स ताकि मैं देखूं कि आप सच में इसके लिए रेडी हो, आप हमेशा वीडियोस को देखते हो, हमेशा कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो या नहीं। तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखो आई विल स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम नाउ, आई स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम नाउ। आप इन दोनों में से क्या लिखते हो मैं देखता हूं कमेंट्स में आके, और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर करूंगा अगर आप कमेंट्स में कुछ पूछोगे। थर्ड जो है वो मेरा भी फेवरेट है एंड आई थिंक जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं उनका भी फेवरेट है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मतलब गाइस खुद की जमीन पे बनाया हुआ खुद का घर। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता दूं, क्योंकि गाइस आप अगर गूगल में जाते हो और गूगल में एक ब्लॉग लिखते हो तो जरूरी नहीं है कि गूगल आपके ब्लॉग को हमेशा उठा के रखेगा, उसका मन करेगा वो आपके ब्लॉग को डंप कर देगा। आप अगर फेसबुक में जाते हो, आप डेली काम करते हो सकता है फेसबुक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दे, बट अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो थोड़ा सा टाइम देते हो एक महीना दो महीना अगर आपके पास पैसे हैं, डिपेंड करता है आपके पास जितने पैसे हैं या आपके पास कम पैसे हैं, तो आप फ्री के ग्रुप्स में जाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, वहां पर आप कुछ फ्री का लोगों को दोगे, वो अपना ईमेल आपके फनल में पुट करेंगे, आस्क पेज में पुट करेंगे, देन आपके पास उनका ईमेल आ जाएगा, राइट। अगर आप ये फ्री में करते हो तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तीन महीने छह महीने या एक साल, बट अगर आपके पास पैसे हैं यू कैन रन एड्स। अब आप रन एड एड रन करोगे देन लोग आएंगे आपके एड के थ्रू आपके आस्क पेज पे, आपके आस्क पेज पे वो अपना ईमेल देके जाएंगे, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा ईमेल मिलेगा, आप उनको फ्री में कुछ प्रोवाइड करोगे, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे और वो सारे ईमेल्स आपके पास सबमिट होते जाएंगे। अब इन ईमेल्स का आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, आपको जस्ट 5 से 10 मिनट या 15 मिनट डेली लगाना है और एक ईमेल लिखना है और लोगों को अपना ऑफर दिखाना है, देन वो लोग आपके ऑफर को खोलेंगे, उनको मन करेगा खरीदेंगे, नहीं मन करेगा नहीं खरीदेंगे। तो ये होती है ईमेल की पावर, आपके पास सारे ईमेल आके डाटाबेस में सेव हो जाते हैं एंड इन ईमेल्स को आप इमीडिएटली भेज के इमीडिएटली पैसे अर्न कर सकते हो। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि अगर आपके पास 1000 लोगों की डाटा शीट है, वो एक्टिव लोग हैं, तो क्या पता आप उनको एक एक $1000 का प्रोडक्ट सेल करो, उसमें से एक दो भी प्रोडक्ट सेल हो जाए, या आप $100 का कोई प्रोडक्ट उनको सेंड करो और उसमें से आपके 10 प्रोडक्ट सेल हो जाए इन जस्ट 10 to 15 minutes। सो दिस इज द पावर ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो देयर इज अ 3 मेथड्स जिन पे आपको ध्यान देना है, जो मुझे लगता है कि आई थिंक बेस्ट है फॉर यू इन 2021, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो ये 3 ही मेथड ऐसे मुझे दिख रहे हैं जहां पर आप इजिली गेम को प्ले कर सकते हो, बट तीनों में अलग अलग स्किल्स की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूं तो ब्लॉगिंग में आपका SEO स्किल बहुत अच्छा और तगड़ा होना चाहिए। अगर मैं दूसरा फेसबुक मेथड की बात करूं तो उसमें आपका कॉपीराइट का जो स्किल है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। अगर मैं तीसरी मेथड की बात करूं जो ईमेल मार्केटिंग है,
इसमें भी कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड कॉन्टेंट मेकिंग, ये तीनों आपके पास होने ही होने चाहिए। बट ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप खुद के घर में खुद राजा हो। तो गाइज अगर आप चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग करना तो आज से ही स्टार्ट करो, और ज्यादा सीखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कुछ अच्छे कोर्सेज हैं मेरे, आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। इफ यू वांट मोर हेल्प सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।